मैं 8 तारीख को आपके बीच में आ रहा हूं अपने प्रिय चहेते बड़े भाई साधु यादव जी के समर्थन में। राजपाल यादव जो कि फिल्म अभिनेता हैं, हास्य कलाकार हैं, वो चुनाव प्रचार करने बिहार आएंगे। चुनाव प्रचार करेंगे लालू यादव के साले, राबड़ी देवी के भाई और तेजस्वी तेज प्रताप के मामा जी के साधु यादव, यानी कि अनिरुद्ध यादव। चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से महाराजगंज से। उनके चुनाव प्रचार के लिए राजपाल यादव महाराजगंज आएंगे और वहाँ रोड शो करेंगे 8 मई को। अब मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी करता हूँ कि आप अपने भाई को, साधु यादव को, मायावती बहन को, मुलायम सिंह यादव को, चंद्रबाबू नायडू को, चौधरी अजीत जी को, नवीन पटनायक जी को, ममता बहन को, ये आप लोग देख लीजिए, ये गठबंधन है और गठबंधन में तराजू पर तौल कर देखो पलड़ा किसकी भारी है। तराजू पर तौल कर देखो पलड़ा किसकी भारी है, तो पलड़ा हाथी की भारी है। 12 मई को छठे चरण में महाराजगंज में चुनाव है। इस संदर्भ में एक वीडियो राजपाल यादव ने जारी किया है जिसमें अपने जो फैंस हैं, यानी कि महाराजगंज के जो लोग हैं, वहां के लोगों को इनवाइट किए हैं अपने रोड शो में कि 8 मई को उनके रोड शो में शामिल हों। मैं राजपाल यादव महाराजगंज के सभी भाई बहनों को नमस्कार करता हूं और मैं 8 तारीख को आपके बीच में आ रहा हूं अपने प्रिय चहेते बड़े भाई साधु यादव जी के समर्थन में, जो आपके लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर इस रोड शो को सफल बनाएं और भारी से भारी मतों से हमारे प्रिय साधु यादव जी को यहां से विजयी होकर आप पार्लियामेंट पहुंचाएं। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। और महाराजगंज के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि वहां के अभी वर्तमान सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो कि बीजेपी से हैं, वही उम्मीदवार भी हैं इस बार भाजपा से। और आरजेडी से उम्मीदवार हैं रणधीर सिंह, जो कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। वहां तो आबादी सबसे ज्यादा राजपूतों की है और पहली बार ऐसा मौका है जब ओबीसी पिछड़ी जाति के नेता को टिकट मिला है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से, बहुजन समाज से। आप जानते हैं मायावती की पार्टी है, उसे चुनाव लड़ रहे हैं साधु यादव उर्फ अनिरुद्ध यादव। और अगर आप राजपाल यादव के फैन हैं तो जाके देख लीजिएगा 8 तारीख को, 8 मई को महाराजगंज में, और हो सके तो सेल्फी वेल्फी ले लीजिएगा मौका मिलेगा तो। चलें, शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे भी इस तरह से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।